told your friend you're not okay and tell me what. सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। हमने सबसे पहले मेट्रो लिया था दिल्ली स्टेशन जाने के लिए, बिकॉज़ हमारी ट्रेन थी वहाँ से। हमने रिजर्वेशन किया हुआ था एसी कोच में, जो कि ट्रेन का नाम मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, मैं आपको बाद में मेंशन कर दूँगी। और यहाँ पे हम एंटर कर चुके थे, और पर्सनली बोलूँ तो मुझे ना बस से नैनीताल तक जाना बहुत पसंद है, काठगोदाम टू नैनीताल। तो बस से जो है ना वो बहुत अच्छा व्यू आता है, दूर दूर तक का नज़र आता है, आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। और सबसे बेस्ट जो टाइमिंग होती है हमारी वो सुबह में, जब हम वहाँ पे रीच करते हैं तो सुबह में सनराइज़ हो रहा होता है, और वो व्यू आपको इतना प्यारा लगेगा कि आप देख करके मतलब एकदम रिफ़्रेश हो जाओगे, और ऐसा लगेगा कि यार कहाँ आ गए हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। तो यहाँ पे हम बस से नैनीताल के लिए जा रहे थे। काठगोदाम से आपको बस मिल जाएगी, आप कैब बुक कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप किसी भी तरह से जा सकते हो। तो यहाँ पे और यहाँ पर हम अपने होटल रूम में पहुँच चुके थे, जो कि हमने बिल्कुल जस्ट जो नैनी झील है उसके सामने ही लिया था। एंड हमारे होटल का नाम था प्रिंस होटल, जो कि बहुत ही अच्छा था, और वहाँ की लोकेशन बहुत प्यारी थी। और प्लस आपको ज़्यादा दूर चलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूर पे आप अगर होते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हमारा जस्ट बस स्टॉप के पास और नैनी झील के जस्ट सामने ही हमारा होटल था। बहुत प्यारा व्यू आ रहा था वहाँ से, रात के टाइम पे भी, डे में भी। हमने बहुत सारी वीडियो शूट किए, बहुत अच्छी लोकेशन थी, फ़ोटो शूट किए बहुत सारे, और आप देख ही सकते हो कितना प्यारा लग रहा है।
जा रहे थे साइट सीन के लिए जी नैनीताल में आपको साइट सीन का पैकेज भी मिल जाता है। जैसे आपको जैसे ही बाहर निकलोगे आपको बहुत सारे टूरिस्ट गाइड मिल जाएंगे जो कि आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आप चाहो तो बार्गनिंग भी कर सकते हो। आप जितनी अच्छे से बार्गनिंग कर लोगे आपको उतने ही सही पैसे, मतलब आपको उतने ही सही अमाउंट में साइट सीन करने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स प्राइस नहीं होता है। ऑल्सो आप जितनी दूरी पे जाना चाहते हो उतनी दूरी के लिए आपको अलग अलग चार्जेस पे करने होंगे। और यहाँ पे हमने सिर्फ नैनीताल साइट सीन के लिए बुक किया था। तो डिटेल में ये जो वीडियो, अगर आप चाहोगे नैनीताल ट्रिप पे, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कैसे कैसे जाना होता है सब कुछ एंड टू स्टार्ट टू एंड। और यहाँ पे मैं जा रही थी सीढ़ियों से नीचे की तरफ रोड, मेन रोड जो माल रोड है वहाँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये नैनी माता का मंदिर है नैनीताल में। ये बहुत ही फेमस प्लेस है, यहाँ पे मोस्टली लोग जाते ही जाते हैं, जब भी नैनीताल जाते हैं। और ये पूरे मंदिर का ही एरिया है जहाँ पे मैंने वीडियो शूट किया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और पूरा दूर तक जो नैनी झील है उसका व्यू भी आपको यहीं से मिलता है। क्योंकि ये माल रोड से क्रॉस करके जब आप जाते हो तो एकदम एंड प्लेस पे ये मंदिर पड़ता है। तो यहाँ से आप पूरी नैनी झील का व्यू ले सकते हो।
पालन खेत का है।